श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से हटा दिया है। अब ना तो ये खबर नई है और ना ही इस पर विवाद थमने का नाम ले रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अजीत आगरकर की अध्यक्षता वाली सिलेक्शन कमेटी ने बीसीसीआई को आकाशदीप समेत 5 तेज गेंदबाजों का नाम भी दिया है। सिलेक्टर्स ने सिफारिश की थी कि 5 गेंदबाजों को भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना चाहिए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ये जानकारी खुद दी है। बोर्ड ने बुधवार को एनुअल प्लेयर्स रिटेशनशिप यानी कि खिलाड़ियों के अनुबंध बढ़ाने का ऐलान किया था और ये अनुबंध 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर के लिए है, जहां बोर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल 7 नाम हटा दिए हैं। हटाए गए नाम में श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, शिखर धवन, चतेश्वर पुजारा, दीपक हुड्डा, उमेश यादव और युजवेंद्र चहल शामिल हैं। बीसीसीआई ने एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट 2023-24 में 13 नए खिलाड़ियों के नाम भी शामिल किया और इसके बावजूद वो 5 तेज गेंदबाजों के नाम कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर रह गए हैं, जिन्हें सिलेक्शन कमेटी ने शामिल करने को कहा था। ये नाम है आकाशदीप, विजय कुमार, विशक, उमरान मलिक, यश दयाल और विद्वत। इसे सिलेक्शन कमेटी ने 5 खिलाड़ियों को फास्ट बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट देने की सिफारिश की है। हालांकि बोर्ड ने ये नहीं बताया कि ये सिफारिश मान ली गई है या नहीं। कम से कम लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में तो इनका नाम नहीं है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 5 गेंदबाजों को स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है, जिसमें भारतीय क्रिकेटरों की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट इस तरीके से है। A+ ग्रेड 7 करोड़ रुपए वाले हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा। तो वहीं ए ग्रेड जो कि 5 करोड़ रुपए वाले हैं, इनमें है आर अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, KL राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या शामिल है। और बी ग्रेड जो कि 3 करोड़ रुपए वाले हैं, इसमें है सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल। और इसके बाद हम देखेंगे सी ग्रेड जो कि 1 करोड़ रुपए की है, इसमें है रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे, रवि विश्नोई, जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, KS भरत, प्रसिद्ध कृष्ण, अवेश खान और रजत पाटीदार, इनके नाम सी ग्रेड में शामिल हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।